Hello friends, now we are going to discuss phylum Platyhelminthes. Phylum Platyhelminthes के जो members हैं, इनको commonly हम लोग बोलते हैं flatworms. Flat का मतलब आप लोग जानते हो कि ये जितने भी animals हैं, इनकी जो body है, वो dorso ventrally flattened है. Dorso ventrally flattened का क्या मतलब होता है? जैसे ये हमारी side ventral side है, और जो पीठ वाली side है, इसे हम बोलते हैं dorsal side. और यदि हमको कोई मशीन इस तरह से कंप्रेस कर दे, आगे से और पीछे से मिला दे, तो हम लोग बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे, बिल्कुल चपटे पतले जैसे हो जाएंगे. तो उस तरीके का जो स्ट्रक्चर बनेगा, तो वैसा ही कुछ इन फाइलम प्लेटिहेल्मिंथीस के एनिमल्स का बॉडी स्ट्रक्चर होता है. इनको हम बोलते हैं डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड. तो ये जितने भी वॉर्म्स हैं, ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड स्ट्रक्चर्स हैं. इनके कुछ बेसिक कैरेक्टर्स हम लोग यहाँ समझ लेते हैं. तो सबसे जो पहला इनका जो कैरेक्टर है वो ये कि ये जितने भी एनिमल्स हैं, ये सब ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब आप सब जानते हो कि इनके अंदर तीन जर्म लेयर्स पाई जाती हैं. तो ये सबसे पहले एनिमल्स हैं, एनिमल की जो पूरी फाइलोजेनी है, उनका जो पूरा इतिहास है, उसमें फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मीजोडर्म इज सीन. तो मीजोडर्म जो लेयर है, जो जर्म लेयर है, उसके पहली बार आपको जो दर्शन है वो इस फाइलम के अंदर होंगे. तो ये जो आपको याद रखना है कि ये जो फाइलम है, ये एक ट्रिप्लोब्लास्टिक फाइलम है. इसमें तीनों जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, तीनों प्रेजेंट होती है. तो ये एक बहुत खास बात है. दूसरी जो बात है वो ये कि मीजोडर्म इनके अंदर प्रेजेंट तो है, किंतु इनके अंदर अभी सीलोम नहीं बन पाई है. क्योंकि आपको यह मालूम है कि सीलोम उन्हीं में मिलती है जिनके अंदर मीजोडर्म पाई जाती है. क्योंकि इनके अंदर पहली बार मीजोडर्म देखने को मिल रही है, तो मीजोडर्म अभी सीलोम बनाने में कामयाब नहीं हो पाई है. क्योंकि ऑर्गेनिज्म डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है, तो बॉडी के अंदर किसी तरीके की कोई केविटी नहीं होती. नो केविटी, यानी कि नो सीलोम. ये बात आपको बहुत विशेष तौर पर याद रखनी है. तीसरी बात यह कि जो मेजोरिटी ऑफ द एनिमल्स हैं इस फाइलम के, दे आर पैरासाइट्स. पैरासाइट्स में भी दे आर एंडो पैरासाइट्स. एंडो पैरासाइट्स कौन होते हैं? पहले बताते हैं आपको पैरासाइट कौन होते हैं. पैरासाइट वो होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की कॉस्ट पर जिंदा है. यानी कि किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से जब ये अपना फूड डराइव कर रहे हैं, तो ऐसे जितने भी एनिमल्स हैं उनको हम बोलते हैं पैरासाइट्स. यदि डेड एंड डिकेइंग से करेंगे तो फिर उनको हम बोलेंगे सेप्रोबिक या सेप्रोजॉइक या सेप्रोफाइट्स, जैसा कि आपने प्लांट्स में पढ़ा होगा. तो प्लेटिहेल्मिंथ जितने भी हैं, वो सारे के सारे तो पैरासाइट नहीं है. कुछ फ्री लिविंग भी हैं, बट मोस्टली दे आर पैरासाइट्स. और पैरासाइट्स में भी एंडो पैरासाइट, यानी कि जो अपना इनका जो होस्ट है, यानी कि जिसकी बॉडी से ये न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उसकी बॉडी के अंदर ये एंटर कर जाते हैं. तो इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एंडो पैरासाइट्स. तो आपको यह याद रखना है कि सम फॉर्म्स आर एक्वेटिक एंड फ्री लिविंग, बट मेजोरिटी ऑफ देम आर पैरासाइट्स. तो पैरासाइट्स का और एंडो पैरासाइट्स का मतलब आप लोगों को पता लग गया होगा. यहां एक बात मैं आपको इंपॉर्टेंट है जो बताना चाहता हूं, वो ये है कि जितने भी एंडो पैरासाइट्स होते हैं, इनकी जो लाइफ होती है, इट इज फुल ऑफ हैजार्ड्स. क्योंकि आप एक दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो, वहां का एनवायरनमेंट बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, वहां बहुत सारी तरीके की समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी. तो इसीलिए जितने भी एंडो पैरासाइट्स होते हैं, ये अपनी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर के आते हैं इन ऑर्डर टू सूट दैट एनवायरनमेंट. एंड सच चेंजेस, सच एडेप्टेशंस, दे आर कॉल्ड पैरासिटिक एडेप्टेशंस. जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि एक प्लेटिहेल्मिंथ जिसको आप बहुत कॉमनली जानते हो, दैट इज पीनियस वोलियम, या जैसे आप टेप वॉर्म कहते हो, ये कहां पाया जाता है? ये ह्यूमन बीइंग की एलिमेंट्री कैनाल में या उसकी इंटेस्टाइन में रहता है. अब आपको मालूम है इंटेस्टाइन में क्या होगा? इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव जूसेस हैं. आप कैसा भी खाना खाते हो उसको डाइजेस्ट कर देते हैं. तो पैरासाइट भी डाइजेस्ट हो सकता है. तो पैरासाइट को अपने को उस डाइजेस्टिव जूसेस से बचाना है. बॉडी के ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर पाई जाएगी जो कि एंजाइम रेजिस्टेंट होगी. तो एक चेंज ये हो गया. दूसरा, आप देखिए जो इंटेस्टाइन है वो पेरिस्टेल्सिस करती है, यानी कि फूड को आगे की तरफ धकेलती है. तो पैरासाइट भी बॉडी से बाहर निकल जाएगा पेरिस्टेल्सिस की वजह से. तो बाहर ना निकले तो इसको अपने को रोकना पड़ेगा.
रोकने के लिए इसके पास एंकरिंग स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, तो वो सकर्स इसके पास हो सकते हैं, हुक्स इनके पास हो सकते हैं। तो हुक की मदद से ये इंटेस्टाइन की वॉल से अपने को कस के जकड़ लेता है और पेरिस्टेल्सिस का इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ पाता। इसके अलावा तीसरी चीज एक और भी है कि ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोडक्शन करेगा तो इसके जो एग्स हैं वो बॉडी से बाहर निकलेंगे, बाहर निकल करके वापस इसको होस्ट के अंदर दोबारा आना है, बाहर निकलने के बाद फिर कंडीशंस डिफरेंट मिलेंगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कदम कदम पर ऑर्गेनिज्म की लाइफ को खतरा है, हैजार्ड्स हैं। तो ये जितने भी एंडोपैरासाइट्स होते हैं इनके अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी जबरदस्त होती है, बहुत जबरदस्त तरीके से ये प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज अमाउंट में ये एग प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि कुछ तो कम से कम जो अपना फेट है उसको कंप्लीट कर लें और लाइफ साइकिल की कंटिन्यूटी बनी रहे, क्योंकि हर स्टेप पर बहुत सारे जो एग से प्रोड्यूस होने वाले इंडिविजुअल्स हैं उनकी डेथ होती चली जाएगी, तो कुछ फाइनल अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं। इसीलिए दे प्रोड्यूस एग्स इन वेरी लार्ज नंबर। इसीलिए एंडोपैरासाइट्स जितने भी होते हैं इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बहुत बहुत डेवलप्ड होता है, किंतु बाकी के जो सिस्टम्स हैं वो हाईली रिड्यूस्ड हो जाते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, आप देखिए टीनिया सोलियम के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है ही नहीं, एलिमेंट्री कैनाल है ही नहीं, आप बताइए क्यों नहीं है। जब आप इंटेस्टाइन में बैठे हुए हो, जो ह्यूमन बीइंग है ये जो भी खाना खा रहा है, आप बढ़िया बढ़िया खाना खा रहे हो, मिठाइयाँ खा रहे हो, सारी की सारी आपके अंदर कौन खा रहा है, उसको डाइजेस्ट किया कराया पूरा तैयार बेटे पैरासाइट को खाने को मिल रहा है, तो वो क्यों अपने अंदर एलिमेंट्री कैनाल डेवलप करेगा, तो एलिमेंट्री कैनाल खत्म हो गए। नर्वस सिस्टम हाईली रिड्यूस हो गया, कोई आईज नहीं है इसके पास, आईज की क्या जरूरत है जब लाइट ही नहीं है, तो आंख बना भी देगा यदि भगवान तो देखेगा किसको, तो लाइट ही नहीं है वहां पर। तो इस तरीके से आप देखिए कि जगह जगह पर आप जब एंडोपैरासाइट्स को स्टडी करेंगे तो आपको लगेगा कि इनके अंदर बहुत एडप्टेशंस पाए जाते हैं इन ऑर्डर टू सूट देयर एनवायरनमेंट। तो इन सारे एडप्टेशंस को हम लोग बोलते हैं पैरासिटिक एडप्टेशंस, तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चौथी जो खास बात है वो ये है कि इनके अंदर पहली बार आपको ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि इससे पहले के जो फाइलम थे उनमें या तो सेलुलर ग्रेड था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या फिर टिश्यू ग्रेड था, जब टिश्यू मिलते हैं तो फिर ऑर्गन्स बनाते हैं, तो पहली बार ऑर्गन जैसी कोई चीज आपको देखने को मिलेगी तो वो इस फाइलम में देखने को मिलेगी, प्लेटी हेलमिंस में। तो इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हुआ वो ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हुआ, ये आपको याद रखना है, क्योंकि एनिमल फाइलोजेनी में ऐसा पहली बार हो रहा है, क्योंकि मीजोडर्म आपको फर्स्ट टाइम देखने को मिल रही है, आपको ऑर्गन्स फर्स्ट टाइम देखने को मिल रहे हैं, तो जो चीजें फर्स्ट टाइम देखने को मिलती हैं जनरली उन पर क्वेश्चंस फिर बन जाता है। तो नीट वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बात याद रखनी है कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लेटी एलिमेंट्स के अंदर देखने को मिलेगा। अब जो पांचवी चीज आती है वो आती है सिमेट्री, क्योंकि सभी के अंदर हमने सिमेट्री डिस्कस की है तो इसके अंदर भी हमें सिमेट्री डिस्कस करनी पड़ेगी। तो प्लेटी एलिमेंट्स जो होते हैं दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ये आपको याद रखना है कि केवल एक ही प्लेन ऐसा है जिससे ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसी सिमेट्री को हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। अगला जो पॉइंट है वो आपको समझना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेजोरिटी ऑफ द जो फॉर्म्स हैं वो पैरासिटिक हैं, तो उनके अंदर पैरासिटिक एडप्टेशंस पाए जाते हैं, तो कोई ना कोई एंकरिंग स्ट्रक्चर इनके अंदर जरूर होगा, यानी कि सकर्स होंगे या हुक्स, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स पैरासिटिक फॉर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है, सकर्स और हुक्स जो हैं, दे आर फाउंड इन पैरासिटिक फॉर्म्स। अगली जो खास बात है वो है कि एक क्लास है जो सेस्टोडा है, उसको छोड़कर के बाकी के जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी प्लेटी हेलमिंस होते हैं, इनकी बॉडी कैसी होती है, अनसेगमेंटेड। बॉडी में किसी तरह का कोई सेगमेंटेशन देखने को आपको नहीं मिलेगा, किंतु एक क्लास जरूर है उसमें आपको सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट क्लास सेस्टोडा, जिसमें आपका टीनिया सोलियम या टेप वॉर्म भी आता है, तो उसमें सेगमेंट्स आपको मालूम है होते हैं। तो उस क्लास को छोड़ करके बाकी के जितने भी क्लासेज हैं या जितने भी प्लेटी एलिमेंट हैं उनमें सब में आपको सेगमेंट्स देखने को नहीं मिलेंगे, बॉडी अनसेगमेंटेड होगी। अगला जो पॉइंट है सिस्टम्स पर जब हम लोग चर्चा करें तो स्केलेटन इनके अंदर कोई होता नहीं, सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर कोई जरूरत नहीं है, किंतु एक सिस्टम है इनके अंदर, एक्सक्रीटरी सिस्टम।
ये इनके अंदर एक खास तरीके की सेल्स के द्वारा होता है। इन सेल्स को हम कहते हैं फ्लेम सेल्स। तो ये नाम आप लोगों को याद रखना है, फ्लेम सेल्स। इनके अंदर जो सीलिया बीट करते हैं तो वो बीटिंग इस तरीके की होती है, जैसे एक फ्लेम बीट करती है, फ्लेम हिलती है, इधर उधर फ्लिकर करती है, बिल्कुल उसी तरीके से सीलिया इसके अंदर बीट करते हैं। और ये ऑस्मोरेगुलेटरी भी होती है और एक्सक्रीटरी भी होती है। तो ये फ्लेम सेल आपको याद रखना है। इन्हीं फ्लेम सेल्स को हम सोलेनोसाइट्स भी बोलते हैं। तो वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम इनके अंदर देखने को आपको मिलेगा। इसके बाद मैंने आपको बताया कि नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये सब बहुत पुअर कंडीशंस में होते हैं। रेस्पिरेशन एनारोबिक होगा, आपको मालूम है यदि टेनिया सोलियम बॉडी के अंदर मिलेगा तो एनारोबिक रेस्पिरेशन उसके अंदर देखने को मिलेगा। किंतु जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वेरी वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता क्या है कि दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एग्स। नंबर वन, जितने भी एनिमल्स हैं दे आर ऑल हर्मोफ्रोडाइट। मतलब क्या हुआ कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर फाउंड इन द सेम इंडिविजुअल। एक ही इंडिविजुअल में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं, इन्हें हम बाइसेक्सुअल या हर्मोफ्रोडाइट बोल सकते हैं। डेवलपमेंट जब भी होगा हमेशा इनडायरेक्ट होगा, कई सारी लार्वल फॉर्म्स के द्वारा होगा, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि जितने एंडोपैरासाइट्स हैं उनके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज वेरी वेरी वेल डेवलप्ड। अब हम लोग इस फाइलम का क्लासिफिकेशन देखते हैं और साथ में जो भी डिफरेंसेस हैं उनको डिस्कस करते हैं। फाइलम प्लैटीहेल्मिंथीस को तीन इंपॉर्टेंट क्लासेस में बांटा गया है। तीनों जो क्लासेस हैं उनके नाम मैं यहाँ पर नोट करा रहा हूँ, आप इसे समझ लीजिए। जो पहली क्लास है इसको हम बोलते हैं टर्बेलेरिया। इस क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट खास बात क्या है? इस क्लास की इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी एनिमल्स हैं इस क्लास में दे आर फ्री लिविंग। फ्री लिविंग का मतलब क्या हुआ? दे आर नॉन पैरासिटिक। तो इस क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे एंडो पैरासाइट्स या पैरासाइट्स नहीं है, दे आर फाउंड इन वॉटर। क्योंकि ये नॉन पैरासिटिक है इसीलिए इनके अंदर सकर्स या हुक्स जैसे स्ट्रक्चर्स एबसेंट होते हैं। ये आप लोगों को समझना है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका डुजेसिया या प्लेनेरिया। दूसरा एग्जाम्पल इसका हो सकता है नोटोप्लाना। इन एनिमल्स की एक बहुत बड़ी खास बात जो है वो ये है कि इनके अंदर रीजनरेशन की जो कैपेसिटी है वो बहुत जबरदस्त होती है। किसी भी लॉस्ट पार्ट को ये रिजनरेट कर लेते हैं और सुपर रिजनरेशन देखने को मिलता है प्लेनेरिया में। यदि आप इसको कट कर दें बीच बीच में से कई जगह तो हर पार्ट में अलग अलग हेड बन जाते हैं। तो ये प्लेनेरियंस का या इस क्लास के जो मेंबर्स हैं उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि रिजनरेशन पावर इज वेरी हाई। दूसरी जो क्लास है उसके हम बोलते हैं सेस्टोडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको कॉमनली हम बोलते हैं टेपवॉर्म। क्या बोलते हैं इनको? टेप वॉर्म। क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है बॉडी का वो टेप लाइक होता है। बॉडी कैसी होती है? सेगमेंटेड होती है। हालांकि आपको याद क्या रखना है कि ये जो सेगमेंटेशन है ये ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं है, जैसा कि एनेलिडा और आगे के जो एडवांस ऑर्गेनिजम्स हैं एनिमल्स हैं उनमें देखने को आपको मिलेगा। पर बॉडी सेगमेंटेड है, आगे की तरफ हेड या स्कॉलेक्स रहता है और पीछे की तरफ इसका टेल लाइक स्ट्रक्चर है। जो सेगमेंट्स हैं इन सेगमेंट्स को हम बोलते हैं प्रोग्लॉटिड्स। पीछे की तरफ ये प्रोग्लॉटिड्स मैच्योर होते चले जाते हैं, इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है। और सबसे जो लास्ट के प्रोग्लॉटिड्स हैं उनके अंदर केवल यूट्रस रह जाता है जिसमें कि बहुत सारे कैप्सूल्स या फर्टिलाइज्ड एग्स रहते हैं। ऐसे जो प्रोग्लॉटिड्स होते हैं ये पीछे की तरफ से टूट टूट करके ह्यूमन बींग है उसका जो फीसेज है उसके साथ बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। जो मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स हैं ये एनिमल के या ह्यूमन बीइंग के फीसेस के साथ बॉडी से पास आउट होते रहते हैं टूट टूट करके। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एपोलाइसिस। तो इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। तो सेस्टोड्स जितने भी हैं दे आर कॉमनली कॉल्ड टेपवर्म्स एंड देयर बॉडी इज सेगमेंटेड। इसके बहुत अच्छे जो एग्जाम्पल्स हैं नंबर वन इज टीनिया सोलियम, ये सबसे ज्यादा कॉमन है, इसको आप जानते हो, इट इज कॉल्ड कॉर्क टेपवर्म। दूसरा इसका एग्जाम्पल हो सकता है टीनिया
सेजिनेटा, जो टीनिया सेजिनेटा है इट इज कॉमनली कॉल्ड बीफ टेपवर्म। इसी तरह से एक एग्जांपल इसका हो सकता है इकाइनो कोकस, इसको हम बोलते हैं कॉमनली डॉग टेपवर्म। तो ये तीनों एग्जांपल आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, टीनिया सोलियम फोर्क टेपवर्म है, टीनिया सेजिनेटा बीफ टेपवर्म है, और इकाइनो कोकस इट इज कॉल्ड डॉग टेपवर्म। जो तीसरी क्लास है इसको हम बोलते हैं ट्रीमेटोडा। जितने भी सेस्टोड्स थे ये सारे के सारे एंडोपैरासाइट्स थे, सभी के सभी एंडोपैरासाइट्स होते हैं। उसी तरीके से जितने भी ट्रीमेटोड्स हैं दे आर आल्सो एंडोपैरासाइट्स। ये दोनों ही फ्री लिविंग क्लासेस नहीं है, दोनों के जो मेंबर्स हैं वो एंडोपैरासाइट्स हैं। किंतु सेस्टोड्स में और ट्रीमेटोड्स में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि ट्रीमेटोड्स दे आर अनसेगमेंटेड। जनरली बॉडी इनकी कैसी होती है, लीफ लाइक, बॉडी में कोई सेगमेंट्स नहीं होते, सिंपल बॉडी है, सिंपल बॉडी प्लान है। ये जितने भी एनिमल्स हैं इनको कॉमनली हम लोग बोलते हैं फ्लूक्स। तो ये आप लोगों को याद रखना है कॉमन नेम, ट्रीमेटोड्स दे आर कॉमनली कॉल्ड फ्लूक्स, सेस्टोड्स दे आर कॉमनली कॉल्ड टेपवर्म। ट्रीमेटोड्स या फ्लूक्स के जो एग्जाम्पल है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपको समझना है वो है फेसियोला हेपेटिका। फेस्टुला हेपेटिका जो एंडोपैरासाइट है ये पाया जाता है शीप के अंदर, जो भेड़ होती है उसके बाइल डक्ट में ये एनिमल रहता है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके डेवलपमेंट में आपको पांच तरीके के लार्वल स्टेजेस देखने को मिलेंगी। उन लार्वल स्टेजेस के नाम अभी मैं आपको बताऊंगा, तो वो आप लोगों को अच्छे से याद रखना। दूसरा इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सिस्टोसोमा मानसूनी, इट इज कॉमनली कॉल्ड ब्लड फ्लू। तो ये दो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं, सिस्टोसोमा मानसूनी और दूसरा है फेसियोला हेपेटिका ब्लड फ्लू। ये ह्यूमन बींग के अंदर भी देखने को मिलती है, तो ये आप लोग पूरा अच्छे से समझ। अब इस फाइलम में आप लोगों को दो एनिमल के बारे में विशेष तौर पर ध्यान रखना है, एक तो है टीनिया सोलियम और दूसरा है फेसियोला हेपेटिका। इन दोनों में ही जो लार्वा पाए जाते हैं, जो लार्वल स्टेजेस हैं, उन पर कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो चलिए इनके लार्वा के बारे में आपको जानकारी और दे देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टीनिया सोलियम की। ये इसकी डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल है जिसमें दो होस्ट आपको देखने को मिलेंगे, एक ह्यूमन बींग और दूसरा पिक। तो पिक के अंदर इसकी दो लार्वल स्टेजेस पाई जाती है, नंबर वन इज कॉल्ड टेंथ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑनकोस्फियर, और जो दूसरा लार्वा है उसको हम कहते हैं सिस्टी सर्कस लार्वा, इट इज कॉमनली कॉल्ड ब्लैडर वर्म। तो ये दोनों जो लार्वा हैं इनके नाम आप लोगों को याद रखना है, ऑर्डर भी याद रखना है, पहले हेक्साकेंथ बनता है और उसके बाद सिस्टी सर्कस बनता है। इसी तरीके से जो दूसरा एनिमल है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, दैट इज फेसियोला हेपेटिका, ये शीप की बाइल डक्ट के अंदर पाया जाता है और इसमें फाइव लार्वल स्टेजेस देखने को आपको मिलेंगी। जो पहला लार्वा है वो है मेरासीडियम, दूसरा होस्ट जो है फेसियोला हेपेटिका का, पहला तो शीप हो गया, दूसरा जो होस्ट है वो है एक फ्रेश वाटर स्नेल जैसे लिमनिया। तो जब शीप की बॉडी से बाहर निकल करके जब एग्स आते हैं तो जब वो हैच आउट करते हैं तो पहला लार्वा बनाते हैं मेरासीडियम। ये एक फ्री स्विमिंग सीलिएटेड लार्वा है क्योंकि इसको स्विम करना है और लिमनिया तक पहुंचना है, इसीलिए इसके पास सीलिया पाए जाते हैं। दूसरा जो इसका लार्वा है वो है स्पोरोसिस्ट, सेकेंड लार्वा इज स्पोरोसिस्ट, थर्ड लार्वा इज रेडिया लार्वा, फोर्थ लार्वा इज कॉल्ड सर्केरिया, एंड द फिफ्थ वन इज मेटा सर्केरिया। ये सीक्वेंस आप लोगों को जरूर याद रखना है, इसको आगे पीछे आपको नहीं करना है। मेरासीडियम डेवलप्स इनटू स्पोरोसिस्ट, स्पोरोसिस्ट इनटू रेडिया, रेडिया डेवलप्स इनटू सर्केरिया, एंड सर्केरिया फाइनली कम्स आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द स्नेल इन द फॉर्म ऑफ मेटा सर्केरिया। ये मेटा सर्केरिया रिवर या पॉन्ड के जो नियर बाय वेजिटेशन होता है उस पर जाकर के चिपक जाते हैं
और जब कोई शीप इसको वेजिटेशन को खाती है तो उसके अंदर मेटासर्केरिया उसके एलिमेंट्री कैनाल में पहुंच जाते हैं। इस तरह से इन्फेक्शन नए शीप के अंदर पहुंच जाता है। तो ये पांचों लार्वल जो स्टेजेस हैं इनके नाम आप लोगों को याद रखने हैं। तो इस तरीके से फाइलम प्लेटीएलमिंथीस के सारे करेक्टर्स आप लोगों की समझ में आ गए होंगे। वीडियो को बार बार देखिए और दूसरे और भी फाइला पर वीडियो जो है उनको आप लोग देखते रहिए, क्योंकि टैक्सोनॉमी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और नीट में हर साल करीब करीब 10 से 15 क्वेश्चंस तक टैक्सोनॉमी से जरूर आते हैं। तो इस पर आप लोग मास्टरी कर लीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।